हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी, दोपहर का टाइम हो गया और कल वाले व्लॉग को मैंने यहीं पे ख़त्म किया था और आज वाले व्लॉग को मैंने यहीं से ही शुरू कर दिया। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जियां लेके आए थे हस्बैंड, और मेरा काफ़ी मन कर रहा था कि मैं तोरी बना के खाऊं। तोरी बन गई है, बस इसमें छौंक लगाना बाकी है, मतलब काट ली है मैंने। और बस थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन मैंने तेल के अंदर ऐड किया था, उसके बाद प्याज ऐड कर दिया है। और जब प्याज अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें टमाटर थोड़ा ज़्यादा करके ऐड करना है, क्योंकि तोरी जो है ना हल्की सी खट्टी अच्छी लगती है। बस छौंक जैसे तैयार होगा तो तोरी इसमें ऐड कर देंगे, और तोरी ना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है, तो इसको ना बीच बीच में खुले ढक्कन से फिर ढक्कन लगा के इस तरह से पकाएंगे, तो तोरी कम पानी छोड़ती है और काफ़ी अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ पे सूखे मसाले भी ऐड कर दिए हैं, इसमें नमक, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरे और धनिया का पाउडर, और नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। और मिर्ची मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से ऐड किया है, मुझे काफ़ी पसंद है हरी मिर्ची डालना। लाल मिर्ची मैं कश्मीरी लाल मिर्ची जो होती है वो वाली यूज़ करती हूँ, तो ताकि हल्का सा कलर सब्जी का अच्छा आए। और बस मैंने इसमें तोरी ऐड कर दी है और काफ़ी अच्छी लगती है। काफ़ी पानी होता है तोरी के अंदर ना, तो गर्मियों में काफ़ी अच्छी लगती है। और पसीने इतने ज़्यादा मुझे आ रहे थे ना आज, तो क्या बताऊँ, गर्मी का टाइम है और ऊपर से जो है दोपहर का भी टाइम है ये, नहीं तो मैं सुबह में सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ। आज थोड़ा लेट हो गई थी तो इसी वजह से मैं जो है दोपहर में खाना बना रही हूँ, नहीं तो सब्ज़ी मैं सुबह बना के रख लेती हूँ और आटा लगा के रख लेती हूँ। बस दोपहर के टाइम पे रोटी बनानी होती है और हो जाता है। देखिए ढक्कन मैंने कैसे एकदम टाइट करके लगाया है इसमें। और अब मैं साथ साथ में बना लूँगी रोटियाँ, ताकि किचन से जल्दी फ्री हो जाऊँ और पंखे के नीचे जाके बैठूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तकरीबन ना टाइम भी 1-1.5 बज रहा होगा। और सब्जियाँ सारी मैंने उठा के फ्रिज में रख दी है, उनको सबको प्लास्टिक बैग में डाल के अच्छे से एयर टाइट करके, ताकि सब्जियाँ सूखे भी ना और अच्छे से फ्रेश फ्रेश रहें। जब भी हम उनको काट के बनाएं तो एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिलें। बस यह है कि साफ़ करके अच्छे से उनको धो के सुखा के मैंने फ्रिज में रखा है, और फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था उससे पहले। तो अभी लंच वगैरह भी हो गया था हमारा, और मैं आ गई थी बेडरूम में, और यहाँ पे मैं डेजी के साथ मस्ती कर रही थी। मैं तो कम कर रही थी, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी यहाँ पे। उसको आज ना बहुत खेलने का मन हो रहा था, वो बार बार आके मेरे साथ ना बस खेल रही थी, मुझे तो आराम भी नहीं करने दे रही थी, इतनी देर उसने मेरे साथ यहाँ पर मस्ती करी है। बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, मैं भी उसको काफ़ी तंग कर रही थी यहाँ पर। और ये है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची मैंने काट के रख ली है। ये दो आलू जो हैं इनको भी मैंने अलग से कर लिया है, और जो परांठे वाले आलू थे उनको मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि बहुत ढीले ढीले से आलू थे ये। सुबह आटा लगाना और पक्षियों के लिए पानी रखना, उनके लिए दाना डालना, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा वॉक करना, फिर शावर लेके जो है पूजा वगैरह करना, ये मेरे डेली के रूटीन है। अभी मैंने शावर नहीं लिया तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी पहले तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख लेना है, और थोड़ी सी मैंने जो परांठों की तैयारी करके रख लिया है, ये दो आलू मैंने जैसे आपको पहले बताया इनको मैंने अलग से करके रख लिया है। सफ़ेद चने बनाने वाली हूँ मैं, और साथ में बनाऊँगी दही बड़े। आज पूरी थाली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये है उड़द की दाल, इसको मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। और दूसरे वाले बॉल के अंदर मैंने जो है सफ़ेद चने भिगोए थे, और रात को भिगो के रखे ना तो अच्छे से भीग भी जाते हैं और बहुत अच्छे से सब्ज़ी बनती है उसकी।
कई बार तो क्या होता है कि जल्दी में भिगोने पड़ जाए, तो गर्म पानी इसमें ऐड कर देती हूँ मैं। इसको ना कम से कम 5 या 6 पानी से धो के ना मुझे अभी पीस के रख देना, ताकि अच्छे से फूल जाए ये। और चने को भी अभी उबाल लूँगी। अब पता है क्या, गर्मी बहुत ज़्यादा है और दाल में से ना हल्की हल्की सी स्मेल आनी शुरू हो गई है। हालांकि डाला भी मैंने बहुत लेट था इसको, लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी की वजह से मुझे लगता है थोड़ी स्मेल आनी शुरू हो गई है। इसको अच्छी तरह से ना खूब सारे पानी से वॉश करूँगी, तब तक एकदम सफ़ेद पानी नहीं हो जाता। काफ़ी अच्छे से इसका पानी साफ हो गया अभी, और इसको पीस के रख दूँगी। चनों को भी अच्छे से साफ कर दिया। दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया था और उसमें मसाले भी मैंने ऐड कर दिए, जैसे कि हल्की सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने पीस के डाला है ताज़ा, और जीरे को मैंने तवे पे भून लिया था, फिर वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी जो इसमें मैंने हींग ऐड करी है, इसको अच्छे से हाथों से फेंटने के बाद ढक के रख दिया था। और ये आलू का पेस्ट जो मुझे आलू के पराठे बनाने हैं, आलू अच्छे नहीं थे, थोड़े ढीले ढीले गीले गीले जैसे लग रहे थे, मैंने इनको हल्का सा फ्राई कर लिया था। और अब मैं बना रही हूँ पराठे नाश्ते में, तो दही के साथ पराठे खाएंगे आज। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी आलू के पराठे बनाने हैं, बस ऐसे ही आगे बढ़े जा रहे था, बन भी नहीं पा रहे थे, तो बस इस तरह से मैंने इनको अच्छी तरह से ना दबा दबा के सेक लिया, तो बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी आलू के पराठे बने थे। और ज़्यादा टाइम के बाद खाओ ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, तो जैसे मैंने आपको बताया दही बड़े सफ़ेद चने बनाने वाली हूँ आज, तो यहाँ पे मैं सफ़ेद चनों में छौंक लगा रही हूँ। प्याज टमाटर अदरक लहसुन सबको मैंने अच्छे से पीस लिया था, और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से भून भी लिया है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मसाले, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़े सा जीरे का पाउडर, ये सब ऐड कर दिया, थोड़ी सी एकदम लाल मिर्च ऐड करी है, थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि जब मैंने सफ़ेद चने उबाले थे तो उस टाइम पे भी मैंने नमक और हल्दी उसमें ऐड किया था, और साथ में हींग थोड़ा सा डाला था। तो इस तरह से मैं चनों को पहले उबाल लेती हूँ, और अब अच्छी तरह से मसाले को भूनना है। बहुत अच्छे से भुनाई होनी चाहिए मसाले की, कच्चा नहीं रहना चाहिए, अगर कच्चा रह जाएगा तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते रहेंगे बीच बीच में, और इसको बहुत अच्छे से भुनेंगे। जब एकदम से तेल अलग हो जाएगा ना, तो उसके बाद इसमें मैं फिर एक आलू ऐड कर दूँगी, और आलू को भी मैं अच्छे से जो है मैश कर दूँगी। अभी तो मुझे थोड़ी देर और इसको भूनना है, खूब अच्छी तरह से भूनूंगी मसाले को, ताकि अच्छे से उसका जो है कच्चापन निकल जाए और मसाला बहुत अच्छे से पक जाए। एकदम पास से मैं आपको दिखाऊँगी, ये देखिए तेल ने जो एकदम अलग हो गया है। बस इस तरह से अब इसमें एक आलू ऐड कर देंगे, बस इसको भी अच्छी तरह से मैश कर दूँगी मैं। और आलू डालने के बाद भी इनको अच्छी तरह से मुझे जो है पकाना है, बहुत अच्छी तरह से मसालों को पका लूँगी, भून लूँगी, और जब अच्छे से आलू भी पक जाएगा, अच्छे से मैश हो जाएगा मसाले के साथ ना, मिक्स हो जाएगा, तो फिर इसमें धीरे धीरे करके जो चने मैंने उबाल के रखे थे उनको भी ऐड कर दूँगी, और इनको भी बहुत अच्छे से पकाना है, एकदम से पानी ऐड नहीं कर देना है। बस इस तरह से धीरे धीरे चने ऐड करते रहेंगे और इनको पकाते रहेंगे। गैस को हम मीडियम लो करते रहेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है इनको, धीरे धीरे आराम आराम से खाना पकाना, तो बहुत अच्छा खाना बनता है, बहुत टेस्टी भी बनता है और खाने का भी मज़ा आता है। जितना पकाने में मज़ा आता है उतना ही खाने में मज़ा आता है। तो देखिए बहुत अच्छे से चने भुन गए थे मेरे, अब इसमें मैंने जो उबला हुआ पानी था वो इसमें ऐड कर दिया है। दाल को चेक कर लेती हूँ, अच्छे से मुझे लगता है फूल गई है, हाँ काफ़ी अच्छे से फूल गई है। अब इसकी बड़े बना लूँगी, और दही मैंने तैयार करके रख लिया है, ये जैसे ये पुदीने वाला नमक मैंने कूटा है, तो यही मैंने दही के अंदर डाल दिया है। इसे बहुत अच्छे बड़े बनते हैं, बस फटाफट से तेल गरम करके और बड़े फ्राई कर लेती हूँ। सब्जी तो मैंने आपको दिखाई दी है, बहुत अच्छी बनी है, बस अब इसमें हरा धनिया ऐड करना है,
और रोटी बनाऊंगी, थोड़े से चावल बनाऊंगी साथ में। पर मैंने और यहाँ पे मैंने ये सादा पानी रख लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, बस काफ़ी है। और अब फटाफट से बड़े फ्राई कर लेते हैं, एकदम छोटे छोटे से बॉल बनाऊंगी। जब अंकी आई थी ना तब भी मैंने बनाए थे, उसको बहुत पसंद है, अखिल को भी बहुत पसंद है। और अभी गर्मियों का मौसम है ना, तो दही वाली चीज़ें सबको पसंद आती हैं। एकदम साइड में लगा के इनका बस तेल निकाल के और सारे के सारे बड़े इसी तरह से निकाल लूँगी मैं, इस तरह से ना तेल एक्स्ट्रा नहीं आता है, थोड़ा सा साइड में करके बस। ये देखिए अब ये हल्के से ठंडे हो जाएंगे तो इनको मैं इस नमक वाले पानी में डाल दूँगी। बहुत बाहर से बहुत एकदम देखिए क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसा भी नहीं है कि कच्चे हैं अंदर से, बहुत अच्छी तरह से पके हुए हैं ये। बस अब इनको ना इस पानी में डाल दूँगी, जैसे हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो निकाल के दही में। अब ये हल्के से सॉफ्ट हो गए, बस इनको इस तरह से दबा दबा के इनका पानी निकाल देंगे और दही में ऐड करते जाएंगे। इससे बहुत जल्दी ना दही इनके अंदर चला जाएगा। बस ये देखिए इस तरह से, अगर दही कम लगेगा तो थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से बड़े जो हैं हमारे अंदर डूब जाएं इसके। और एक बार हिला देते हैं बस इस तरह से, ये भी हो गए हैं हमारे, इनको भी निकाल लेती हूँ और बस इस तरह से सारे के सारे बना के मैं साइड में रख लूँगी। बस इस तरह से सारे बाकी के भी ना पानी में डाल के उनको निकाल के और दही के अंदर डाल देंगे और इसके बाद इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि थोड़े ये ठंडे हो जाएं। और ठंडे खाने में मज़ा आता है इनको ना, दही देखिए कितना अच्छा है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा आ रहा है। इसमें मैंने पुदीने वाला नमक ऐड किया तो और भी टेस्टी लगेगा खाने में ये। तो ये है छोले या सफ़ेद चने बोल सकते हो आप। ये है मेरी थाली आज की, इसमें है दही बड़े, सफ़ेद चने, सूखे वाले बड़े, चावल और रोटी और साथ में है सलाद। तो और इसके साथ ही इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।